दोस्तों टीआरपी के मामले में एक शो पिछले कुछ हफ्तों से नंबर वन पर बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले टीवी शो अनुपमा की। इसमें अनुपमा के किरदार को निभाने वाली अभिनेत्री रूपाली गांगुली के अभिनय को खूब पसंद किया जा रहा है। तो दोस्तों आइए जानते हैं रूपाली गांगुली के बारे में कुछ और बातें। रूपाली का जन्म 5 अप्रैल 1977 को कोलकाता में हुआ था। उनके पिता अनिल गांगुली जाने माने डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर रह चुके हैं। रूपाली गांगुली के भाई भी जाने माने एक्टर और प्रोड्यूसर हैं। रूपाली ने होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई की और साथ ही साथ थिएटर भी किया। रूपाली ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड रहे अश्विन के वर्मा के साथ 6 फरवरी 2013 में शादी की। उनका 7 साल का एक बेटा भी है जिसका नाम रुद्रांश है। दोस्तों रूपाली गांगुली का एक्टिंग करियर तभी शुरू हो गया था जब उन्होंने 7 साल की उम्र में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट 1985 में रिलीज हुई फिल्म साहेब में काम किया था। इस फिल्म में अनिल कपूर, अमृता सिंह, राखी और उत्पल दत्त लीड रोल में थे, जिसका निर्देशन उनके ही पिता अनिल गांगुली ने किया था। इसके बाद वो अपने पिता की ही निर्देशन में बनी फिल्म मेरा यार मेरा दुश्मन में चाइल्ड आर्टिस्ट के रोल में नजर आई थी। इसके बाद उन्होंने साल 1996 में फिल्म अंगारा में लीड रोल किया था जो उनके पिता द्वारा निर्देशित थी, और इसके अगले ही साल उन्होंने 1997 में फिल्म दो आंखें 12 हाथ में काम किया था, और फिर वो 2011 में फिल्म सतरंगी पैराशूट में दिखी। रूपाली ने अपना टेलीविजन डेब्यू साल 2011 में टीवी शो सुकन्या से किया था। इसके बाद वो टीवी शो संजीवनी, भाभी, सारा भाई वर्सेस सारा भाई, कहानी घर घर की, एक पैकेट उम्मीद, आपकी अंतरा और परवरिश कुछ खट्टी कुछ मीठी में भी नजर आई, जिसमें उनके किरदार को खूब सराहा गया। यही नहीं दोस्तों, रूपाली गांगुली कई रियलिटी शोज का भी हिस्सा रह चुकी हैं। साल 2006 में शुरू हुए बिग बॉस के फर्स्ट सीजन में रूपाली नजर आई थी, और उसके बाद साल 2008 में वो डांस रियलिटी शो जरा नच के दिखा में भी दिखाई दी, जहां उनके साथ साथ करिश्मा तन्ना, मौनी रॉय और जेनिफर विंगेट ने भी हिस्सा लिया था। फिर इसके बाद साल 2009 में वो कलर्स टीवी के शो खतरों के खिलाड़ी में भी नजर आई थी। इसके साथ साथ ही वो किचन चैंपियन और मीठी छुरी नंबर 1 में भी नजर आ चुकी हैं। दोस्तों इतना ही नहीं, रूपाली ने 2008 में रिलीज हुई एनिमेटेड मूवी दशावतार में अप्सरा के किरदार को अपनी आवाज भी दी थी। तो दोस्तों आज हमने रूपाली गांगुली जी के जीवन के बारे में कुछ जाना, और ऐसे ही बायोग्राफी वीडियोस देखने के लिए बने रहिए आप हमारे चैनल नेक्स्ट बायोग्राफी पर। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर करने में कंजूसी मत करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। शुक्रिया।